देख नहीं जा रही। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल वही 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 एग्जाम कोश पर, जो है आपके साथ हमेशा बना हुआ है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशा है, विश्वास है, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ में ही होंगे व्यस्त, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भावी शिक्षकों। चलते हैं, शुरुआत करते हैं उसी जहां पे छोड़ के गए थे, बोली तो संज्ञा की। कुछ संज्ञाएं हम लोगों ने पढ़नी है, जो थोड़ी बहुत बची हैं आज उनकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए जुड़ते हैं आपके साथ। मैंने बार बार कहा है, हजार बार कहा है, आप जब भी आपको कोई समस्या लगे, कोई टॉपिक में समस्या लगे, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आया है, कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा आप टाइप करके भेजना, अगले ही वीडियो में उसका आपको सोल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है जी, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे सीधे संज्ञाओं की। तो संज्ञा है आज की, जो आपकी संज्ञा है उस संज्ञा का नाम क्या है भाई साहब? संज्ञा का नाम बहुत अच्छा है और ऐसा है, कहते हैं संज्ञा का नाम है विभाषा संज्ञा। कौन सी संज्ञा? बोलो बोलो बोलो, विभाषा संज्ञा। कौन सी संज्ञा भाई साहब? विभाषा संज्ञा। मैंने बताया था, फिर से बार बार रोज बताता हूं संज्ञाओं, जब मैं संज्ञा पढ़ाता हूं तो, कि हमेशा संज्ञा में दो जगह आपको ज्यादा ध्यान देना है। कहां कहां भाई साहब? एक तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी संज्ञा है, और दूसरा यह ध्यान देना है कि वो संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है। चलते हैं, संज्ञा का नाम है विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र होता है कौन सा? नवेति विभाषा। बोलो बोलो कौन? नवेति विभाषा। कौन विभाषा भाई साहब? नवेति विभाषा। बोल लो भाई साहब, एक बार, दो बार, साढ़े तीन बार बोल लो भाई साहब, बोलना है, एकदम चुप नहीं रहना है आपको, तो बोल लो भाई साहब, हम कौन सा मना कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? नवेति विभाषा। और यही पूछता है आपके एग्जाम में कि संज्ञा का नाम लेगा कि विभाषा संज्ञा कौन का सूत्र क्या होता है, तो आपको नवेति विभाषा बताना होता है। जब आप पढ़ते हो नवेति विभाषा कौन सी संज्ञा करता है, तो विभाषा संज्ञा करता है, मतलब समझ लेते हैं। तीसरी चीज, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं, ना, ना का मतलब एक ना है, एक शब्द है वा, और एक है इसी नवेति में एक शब्द है इति। ठीक है जी, अब आगे विभाषा, विभाषा मतलब विभाषा संज्ञा, समझ में आया? विभाषा मतलब विभाषा संज्ञा होता है। ना का मतलब जानते ही हैं, निषेध, किसी चीज का निषेध करना, वही क्या है? ना है, समझ में आया। वा का मतलब होता है अथवा, क्या होता है भाई साहब? अथवा, या यूं कह लो अथवा कहां प्रयोग होगा, जहां पे क्या होगा, कोई विकल्प होगा, समझ में आया। इति का मतलब इस प्रकार, वो जहां निषेध और विकल्प हो, उनकी कौन सी संज्ञा होती है भाई साहब? उनकी होती है विभाषा संज्ञा। यही कहता है नवेति विभाषा सूत्र आपसे, कहता है जहां पर निषेध हो, जहां पर विकल्प हो, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? उनकी होती है विभाषा संज्ञा। जैसे मैं आपसे पूछूं, थके होंगे, हारे होंगे, पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, और मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं भाई साहब, कि जरा बताओ कि अगर आपको लगी हो भूख, तो बताओ क्या खाओगे सर? समोसा खाएंगे या फिर जलेबी खाएंगे? बताओ 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 जल्दी, बहुत थोड़े समय के लिए ऑफर है, जल्दी बताओ, हम भिजवाएंगे आपके पास, समोसा खाएंगे या जलेबी खाएंगे? अगर मैं आपसे पूछता तो बड़े अच्छे हैं आप, सब मना कर दे तो कुछो नहीं खाएंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कह दो नहीं खाएंगे। वही जो मैंने आपसे कहा, समोसा खाएंगे या जलेबी खाएंगे, और आपने बड़े सुंदरतम तरीके से मना कर दिया, निषेध कर दिया, वही तो विभाषा है भाई साहब, कैसे समझेंगे? जब मैंने आपको पूछा कि समोसा और जलेबी, आपके सामने था दो विकल्प, और मैंने अथवा लगाया था समय, समोसा अथवा जलेबी, तो भाई साहब उससे बाहर आ जाओ, सब मोह माया है, समोसा अथवा जलेबी, यहां तो सब नवेति विभाषा हो गया है भाई साहब। तो कह रहे हैं यहां पर दो विकल्प आपके सामने, चाहो तो जलेबी खाओ, चाहो तो समोसा खाओ, फ्री है, लेकिन
पुनः आप करते हो वहां निषेध कि हम कुछ नहीं खाएंगे। भाई साहब देखिए, समोसा जलेबी इसलिए कहा ताकि आप नवेति विभाषा को जान पाओ, है ना जी। आपने मना किया, वही है निषेध। आपके पास दो विकल्प था, समोसा और जलेबी का, चाहे जो खाते वही था आपका विकल्प। और जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां होती है विभाषा संज्ञा। लेकिन व्याकरण के क्षेत्र में कैसे देखोगे भाई साहब, इसको कैसे जोड़ोगे? तो ऐसे जोड़ना है भाई साहब, जैसे आप कहीं कहीं अभी व्याकरण शास्त्र में आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं क्या होता है, जैसे पृथक बिना नाना अभिस्तृति अन्यतर श्याम कारक में पढ़ाऊंगा, वहां पे सूत्र आता है, वहां कहता है, सूत्र कहता है कि विकल्प से आप वहां द्वितीय भी लगती है, तृतीय भी लगती है और पंचमी भी लगती है भाई साहब, है ना जी। तो इतने लगने के बाद ये सब विकल्प से लगता, वहां जो बोला गया विकल्प से वही क्या हो, उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो विभाषा, ठीक है जी। और कहीं कहीं व्याकरण शास्त्र में होता है कि इस सूत्र का यहां पर निषेध हो रहा है, जब ऐसा बोला जाता है कि निषेध हो रहा है तो वो एक्चुअली वो उसकी निषेध की जगह आप प्रयोग कर सकते हैं विभाषा, क्योंकि जहां पर संस्कृत व्याकरण शास्त्र में किसी भी सूत्र का या किसी भी चीज का निषेध होगा, या यूं कह लो जहां पर विकल्प होगा वहां पे संज्ञा कौन सी होगी, वहां पे होगी आपकी विभाषा संज्ञा होगी। समझ में आया, ये रही। और जानना क्या है, तीन तरीके से क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, पूछेगा विकल्प और निषेध में कौन सी संज्ञा होती है, तो कौन सी होती है, विभाषा होती है। पूछेगा आपसे कि विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र, तो आपको बताना है नवेति विभाषा। पूछेगा आपसे नवेति विभाषा कौन सी संज्ञा करता है, तो आपको बताना है विभाषा संज्ञा करता। ये तीन टाइप का क्वेश्चन आपके यहां बनता है। चलते हैं अगली, तो कहते हैं क्या, कहते हैं निष्ठा। कौन सी संज्ञा, निष्ठा संज्ञा। आपकी कितनी निष्ठा है पढ़ने में, बहुत निष्ठा है ना जी, निष्ठा संज्ञा। कौन सी संज्ञा, निष्ठा संज्ञा। अब कहते हैं निष्ठा संज्ञा क्या होती है भाई साहब, संज्ञा का नाम है निष्ठा संज्ञा। अब निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, ये आपको जानना है। तो कहते हैं आता है, क्या आता है, कहते हैं भाई साहब, कहते हैं तवतु निष्ठा। क्या बोलते हैं, तवतु निष्ठा। बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, ताक तवतु निष्ठा। ये जो ताक तवतु निष्ठा है, ये कौन सी संज्ञा करता है, निष्ठा संज्ञा करता है, या यूं कह लो निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, तो ताक तवतु निष्ठा होता है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब इसका मतलब समझ लो कि ताक तवतु निष्ठा का मतलब क्या होता है। यहां पर दो प्रत्यय की बात की गई है, किसकी, एक है क्या ता प्रत्यय और एक है यहीं पर तवतु प्रत्यय। एकता और तवतु दो प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, और ये दोनों प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय होते हैं। कहने का मतलब जहां भी जुड़ते हैं हमेशा ये भूतकाल का अर्थ देते हैं, ठीक है जी। अब कह रहे हैं जहां पर ये दो प्रत्यय जुड़ जाएंगे जो नया शब्द बनेगा वो शब्द कैसा होगा, कहते हैं वो निष्ठा संज्ञा कहलाएगा। इन दोनों प्रत्यय की संज्ञा कौन सी होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। समझ में आया, क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे अगर कहीं लिखा है पठिता, है ना जी, क्या लिखा है, पठिता। पठिता में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप कहोगे पठधन, पठधनकता प्रत्यय लगा है, ठीक है। पठधनकता प्रत्यय लगने पर बनता है क्या, पठिता। अब ये पठिता कैसा शब्द है, तो कहोगे निष्ठा संज्ञक शब्द है। क्यों, क्योंकि इसमें, इस शब्द में क्या जुड़ा है, ता प्रत्यय जुड़ा है। ता प्रत्यय जिसके भी साथ जुड़ेगा उसको बना देगा निष्ठा संज्ञक। उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम जान सकते हैं निष्ठा नाम से। आई बात गई समझ में। फिर अगला है आपका तवतु प्रत्यय। माना लिखा है पठ धातु है ना जी, लगाया इसमें तवतु प्रत्यय। देखो हम प्रत्यय नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम आपको डिटेल करें, प्रत्यय पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल करेंगे। बस इतना जानो कि जब पठ में तवतु लगेगा तो बनेगा पठितवान, पठितवती, पठितवत, किंतु यहां पर केवल पठितवान समझो अभी, है ना जी, पठितवान। अब ये जो पठ में तवतु प्रत्यय लगा, ये जो पठितवान बना भाई साहब,
कि जो पठितवान बना है इसकी संज्ञा क्या होगी, तो कहेंगे निष्ठा संज्ञा होगी। कारण क्या है बताना, क्योंकि यहां पर इस शब्द में ये शब्द किस प्रत्यय से बना है, ये शब्द बना है तवतु प्रत्यय से, और आपने सूत्र पढ़ा है ताक तवतु निष्ठा, ता और तवतु प्रत्यय जिस भी धातु के साथ जुड़ के नया शब्द बनाते हैं वो क्या उसकी कौन सी संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, ऐसा आपका ताक तवतु निष्ठा सूत्र कहता है। आई बात गई समझ में, चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं तो आगे कहां मिलता है, हाँ एक और प्रत्यय मिलता है, कहते हैं क्या, का कहते हैं, कहते हैं सत संज्ञा। कौन सी संज्ञा, सत संज्ञा बोलते हैं भाई साहब, चलिए कौन सी संज्ञा, सत संज्ञा, बोलो बोलो बोलो, सत संज्ञा, कौन सी संज्ञा, सत संज्ञा, कितनी बढ़िया संज्ञा है, और इसका सूत्र तो बहुत से बढ़िया है भाई साहब, क्या बोलते हैं, बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं तौ 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 सत, का बोलते हैं तौ सत, कितना बढ़िया सूत्र। अभी तक जो आपने पढ़ा संज्ञाओं का सूत्र, सबसे बढ़िया सबसे प्यारा सबसे अच्छा तौ सत, कितना अच्छा है, एकदम सरल, बोले तो 100% ऑफ वाला सूत्र है भाई साहब, कोई मेहनत नहीं है, कोनो जुआर नहीं लगाना है, का पढ़ना है तौ सत, तौसत का मतलब समझ लो भाई साहब, का बोलते हैं अपनी, बताओ 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 का बोलते हैं तौसत, तौ का मतलब सह तौते, बोले तो कहीं ना कहीं दो चीजों से तात्पर्य है, तो एक है आपका क्या, इसी में दो प्रत्यय हैं क्षत्रि और शानच, क्षत्रि और शानच, सत संज्ञा तौ सत, तौ का मतलब क्षत्रि और शानच, सत का मतलब हो गया सत संज्ञा, कहने का मतलब इतना है कि जहां पर भी ये दोनों प्रत्यय जुड़ेंगे, जैसे ताक तवतु निष्ठा जुड़ता था, जहां पर क्षत्रि और शानच प्रत्यय जुड़े होते हैं और जो शब्द बनता है वो उसकी संज्ञा क्या होती है, तो कहते हैं उसकी संज्ञा होती है भाई साहब सत संज्ञा। आई बात गई समझ में, उसकी संज्ञा क्या, सत संज्ञा होती है, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हैं, ये दोनों जहां जुड़ जाएंगे वहां उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, सत संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया, आई बात गई समझ में, अब देख लेते हैं उदाहरण देख लेते हैं, क्षत्र प्रत्यय, देखो मैं प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको यहां प्रत्यय मैं डिफाइन करूंगा, नहीं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो ये सब क्षत्रिय और शानच तवतु अच्छे से बताऊंगा, अभी केवल आप संज्ञा पर फोकस करेंगे, उदाहरण इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके इसका सूत्र का स्पष्टीकरण हो जाए। चलते हैं, जैसे एक शब्द है क्या क्या क्या, लिख धातु है, क्या है लिख धातु है, अब इसमें जब आप लगाते हो क्षत्र प्रत्यय लगाते हो तो बनता है लिखन, आगे और भी बनता है लिखन लिखंती लिखत, तो माना लिखन शब्द है, अब ये लिखन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आप कहोगे इसमें क्षत्रि प्रत्यय लगा है, अब जब क्षत्रि प्रत्यय लग गया इस लिखन शब्द की क्या संज्ञा हो जाएगी भाई साहब, तो कहोगे इस लिखन शब्द की हो जाएगी सत संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ लिया है तौ सत, और तौ का वहां तात्पर्य है क्षत्रि और शानच। समझ में आया, आई बात गई समझ में, शानच प्रत्यय मतलब एक धातु है सेव, सेवा करने के अर्थ में होती है भाई साहब, लगाओगे शानच प्रत्यय तो बनता है आपका सेवमानः, सेवमानः सेवमानः सेवमानम, तीनों लिंगों में बनता है भाई साहब, अब वो सब डिटेल करेंगे बाद में, ये क्षत्रिय और शानच प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग में भी बनते हैं, स्त्रीलिंग में भी बनते हैं और नपुंसक लिंग में भी बनते हैं, तो सेवमानः पुल्लिंग बनेगा, सेवमानः स्त्रीलिंग में, सेवमानम आपका नपुंसक लिंग में बनेगा। तो चलते हैं, अब आपसे कोई पूछे सेवमानः कि क्या संज्ञा किस नाम से जान सकते हो, तो सत नाम से जान सकते हो, कारण उसका है कि सेव धातु में हमेशा इस सेवमानः पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, शानच लगा है, और आपने एक सूत्र पढ़ा है तौसत, तौसत कहता है कि जहां पर क्षत्रिय और शानच प्रत्यय लगे होते हैं उसकी संज्ञा हो जाती है कौन सी, कौन सी, कौन सी, सत संज्ञा हो जाती है। आई बात गई समझ में, चलते हैं आगे, आई बात, अब देखो यहां भी तीन टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक तो पूछेगा सत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, तो तौसत बोलना है, और एक पूछेगा तौसत कौन सी संज्ञा करता है, तो सत संज्ञा करता है, या तौसत में तौ का मतलब क्या है, क्षत्रि और शानच है, या यूं कह लो क्षत्रि और शानच प्रत्यय
किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं भाई साहब? सत संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देना, समझ लेना, जितने भी संज्ञा वाले, जितने भी प्रत्यय वाली संज्ञाएं हैं उन पर विशेष फोकस करना। उनमें जो तीसरे टाइप वाला क्वेश्चन बताता हूं कि इस संज्ञा में कौन सा प्रत्यय आएगा या ये प्रत्यय किस संज्ञा में आते हैं, इस टाइप का याद कर लेना। आगे चले, दौड़े, अजो दौड़ो दौड़ो, आ जाओ आ जाओ, भागो भागो भागो। अगली संज्ञा पे चलते हैं। तो कहते हैं अगली संज्ञा है आपकी, लगे हाथ सारे पढ़ने जिसमें प्रत्यय होते हैं, एक संज्ञा है घ संज्ञा। कौन सी? क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था घी और साथ में आया घा। घी संज्ञा पढ़ा है ना जी, तो घी के साथ साथ घा भी है। ये पढ़ने की संज्ञाएं हैं भाई साहब। कहते हैं घ संज्ञा, फिर कहेंगे घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, कौन सा होता है बताओ। अरे हम क्या बताएं, आप बताओ। तो लिख लो, बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसका भी सूत्र है। सूत्र का नाम है क्या क्या क्या, कहेंगे तरप तमपौ घा। बोलो बोलो बोलो, तरप तमपौ घा, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, बोल दिया करो भाई साहब। सही बता रहे हैं, ये जितने अलसिया के बैठे रहते हैं सब लोग बोलो। का बोलोगे? तरप तमपौ घा, बोल बोल बोलो, तरप तमपौ घा। कौन सी संज्ञा करता है? तो घ संज्ञा करता है। घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? तरप तमपौ घा। यही आपको पढ़ना, यही याद करना है। समझ में आया? अब इसका जो तीसरा स्टेप है, तीसरी चीज क्या जाननी है, तो इस तरप तमपौ घा का मतलब क्या होता है, मतलब देख लेते हैं। इसमें दो प्रत्यय हैं, एक तो है तरप और एक है तमप, ठीक है, ये दो प्रत्यय हैं। पौ औक से तात्पर्य तरप और तम, दो प्रत्ययों से घा मतलब उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, घ संज्ञा हो जाती है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? ये जो दो प्रत्यय हैं, है ना, क्या है ये जो दो प्रत्यय हैं, कौन कौन से? तरप और तमप। ये दो प्रत्यय जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ के नया शब्द बनाएंगे तो उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, उसको किस नाम से जानोगे, उसको घा नाम से जानोगे, उसकी संज्ञा हो जाती है घा संज्ञा हो जाती है। भाई साहब कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में, पढ़ने में है तो कमेंट कर दो, बताए दो, और समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं है। ये दो प्रत्यय हैं, जैसे एक उदाहरण दे दे रहा हूं, जैसे आपने दो प्रत्यय पढ़े नक्तावतु निष्ठा, ता और तव, दो प्रत्यय किसी के साथ जुड़ जाते थे तो उसकी निष्ठा संज्ञा हो जाती थी, और क्षत्रिय और सानर प्रत्यय किसी के साथ जुड़ जाते थे तो उसकी सत संज्ञा हो जाती थी। वैसे सेम टू सेम तरप और तमप प्रत्यय जिसके साथ जुड़ जाएंगे तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, घ संज्ञा हो। जैसे एक शब्द है लघु, कौन सा? लघु शब्द है। अब लघु शब्द में तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो का बन जाता है, लघुतर है, क्या उत्तर क्या बन जाएगा भाई साहब? लघुतर, ठीक है। और जब तमप जोड़ोगे हैं तो क्या बन जाएगा? लघुतम है, क्या बन जाएगा? लघुतम, क्या बन जाएगा? लघुतम वस्तु। तो ये जो बन रहा है लघुतर और लघुतम जो बन रहा है, प्रत्यय कौन जुड़ा है? तरप और तमप जुड़ा है। और जहां पर तरप और तमप प्रत्यय जुड़े होते हैं उसकी संज्ञा क्या होती है? घ संज्ञा होती है। समझ जाना, सबसे ज्यादा याद करना है कि तरप और तमप प्रत्यय कौन, तरप और तमप प्रत्यय किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो घ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। या यूं कह लो, घ संज्ञा के अंतर्गत कौन से दो प्रत्यय आते हैं? तरप और तमप आते हैं। और यूं कह लो, घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? तरप तमपौ घ। और तरप तमपौ घ कौन सी संज्ञा करता है? तो घ संज्ञा करता है। ये जितना मैं बोलता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। समझ में आया? आगे चलें। टाइप ऑफ क्वेश्चन बोले तो इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैं बोलता हूं, बहुत ध्यान से काने खोल के, आंखी खोल के सुना करो, समझा करो, पढ़ा करो। आगे चलें, चलते हैं आगे, अगली संज्ञा पे चलते हैं। घ संज्ञा हो गई, सत संज्ञा हो गई, निष्ठा संज्ञा हो गई, विभाषा संज्ञा हो गई, एक और बस्ती है अनुनासिक। इंपॉर्टेंट संज्ञा है भाई साहब, कौन सी संज्ञा? अनुनासिक संज्ञा। कौन सी?
अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। हाँ जी, कौन सी संज्ञा? बोले तो क्या? बोले तो अनुनासिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? अनुनासिक संज्ञा। चलो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं। सूत्र छापे, लिखें, लिखें कि नहीं लिखें? लिख लेते हैं। तो सूत्र आपका बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा है। कहते हैं, कहाँ कहते हैं? कहते हैं मुख, क्या? मुखनासिका वचनोनुनासिका, वचनोनुनासिका, ठीक है? मुखनासिका वचनोनुनासिका। अस्तु, समझ में आया? पढ़ लो, फिर छाप लो भाई, उतार लो, लिख लो। अरे लिखो लिखो लिखो, छापो छापो छापो, छाप लो भाई साहब। का है गुस्सा रहे हो, छापो। क्या छापना है? मुखनासिका वचनोनुनासिका। और एक बार बोलो, मुखनासिका वचनोनुनासिका। बोल भी दो भाई साहब, का है चुप बैठे हो, का है इतना आलस में हो, आलस करते हो? अगर आलस करोगे भाई साहब, आपको कभी आलस्य करने से बिल्कुल आपको विद्या की प्राप्ति नहीं होती है भाई साहब। और आपके यहाँ संस्कृत में बड़ा अच्छा कहा गया है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। समझ तो गए ही होंगे कि आलसस्य कुतो विद्या, जिसके पास आलस्य है उसके पास कुतो विद्या, विद्या कहाँ? और अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास अविद्या है, विद्या नहीं है, उसके पास भैया धन नहीं आएगा। और जिसके पास अधनस्य कुतो मित्रम, मतलब जिसके पास भैया धन नहीं है, तो इसको जानते ही हैं भैया अपना भी कोई मित्र नहीं होता है अगर आपके पास धन नहीं है। और अंतिम लाइन तो बहुत अच्छा संदेश देके जाती है, जो जिसके लिए आप आतुर हैं, जिसके लिए सारा कार्य हो रहा है, कि अमित्रस्य कुतो सुखम, जिस सुख की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए आप धन विद्या सब उसके प्रयोजन बन रहे हैं, तो अधनस्य कुतो सुखम, और माफ कीजिए अमित्रस्य कुतो सुखम। जब मित्र नहीं तो सुख कहां भाई साहब? इसीलिए सबसे पहला काम है आप आलस्य को त्यागिए, क्योंकि अगर आलस्य रहेगा तो विद्या नहीं, और विद्या नहीं तो धन नहीं, धन नहीं तो कोई मित्र नहीं, और मित्र नहीं तो सुख नहीं भाई साहब। तो आप आलस्य त्यागो और आ जाओ, उतारो, कम से कम 5 बार बोलो भाई साहब। है जी, मुखनासिका वचनोनुनासिका, बोलो बोलो बोलो, मुखनासिका वचनोनुनासिका। इसका मतलब समझ लेते हैं, हमसे क्या कहना चाह रहा है? और कुछ कहना यही चाह रहा है, कह रहा है मुख मतलब आपका मुख, कौन कौन कौन, कह रहे हैं मुख, नासिका मतलब नासिका, मुख और नासिका, वचना मतलब बोलने में, वचन मतलब बोलना, अनुनासिका, अनुनासिका, अनुनासिक होते हैं, समझ में आया, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मुख मतलब मुख, नासिका मतलब आपकी नाक, वचना मतलब क्या? वचन मतलब क्या? बोलना। अनुनासिक मतलब अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? क्या कहते हैं? जिन सीधा सीधा वचना मतलब उच्चारण करना, बोलना, ये सब होता है। समझ में आया? तो कह रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख, हमारी नासिका दोनों सहायता करती हो, दोनों हेल्प करती हो, उनकी संज्ञा क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। किस मतलब क्या हुआ? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख, हमारी नासिका दोनों, वचना मतलब बोलने में कौन कौन सहायता करे? मुख और नासिका, तो उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। आई बात गई समझ में भाई साहब? तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, बोलो तो सातवां नंबर सूत्र, यहां कौन कौन कौन, कहेंगे यहां, फिर मां, फिर ना, फिर ना, फिर ना, ये सारे जो 5 वर्ण हैं, ये सारे कैसे वर्ण हैं, इनकी संज्ञा कौन सी होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। और क्यों होती है अनुनासिक संज्ञा? क्योंकि इनके उच्चारण में, वचन मतलब उच्चारण में, इनके बोलने में
हमारा मुख और हमारी नासिका दो के दोनों उसमें सहायता करती है। और चाहो विश्वास नहीं हो तो बोल के देख लो, बोलो बोलो, अपनी नाक को पकड़ो और बोलो यहाँ, बोलो बोलो। अरे एक बार देख लो यार, विश्वास नहीं है हम पर, नहीं है पारिनी पे, नहीं तो खुद पे करो। और क्या बोलना है, बोल नाक पकड़ो, बोलो यहाँ। नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपकी नासिका उसमें सदैव हेल्प करेगी भाई साहब। इसीलिए कहते हैं हमारी संस्कृत जो है क्या है क्या है क्या है, एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज है भाई साहब, समझ में आया। हाँ तो पूरा एकदम साइंस छिपा हुआ है। इन पांचों में से कौनों वर्ण बोलो नाक पकड़ के और शुद्ध उच्चारण कर लो तो बताओ हमसे, नहीं कर पाओगे, अशुद्ध होगा। तो ये इन सब की कभी पूछ लें, या वर्ण की कौन सी संज्ञा अनुनासिक संज्ञा, या मां की कौन सी संज्ञा अनुनासिक संज्ञा, या यूं कह लो प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर की क्या संज्ञा होती है, तो क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है, याद कर लेना, भूलना नहीं है। या यूं कह लो जो आपका कोई भी वर्ण हो उस पर अनुस्वार ऐसे ले, कं खं गं चं, कुछ भी ऐसे लगा है अगर ऊपर ये चंद्रविंदी लग गई भाई साहब है, तो ये भी कैसा वर्ण है, अनुनासिक हो जाता है, समझ में आया। ये भी वर्ण कैसा हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है, जो ऊपर चंद्रबिंदी लगी है इनकी भी क्या संज्ञा हो जाती है, अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। आई बात समझ में, समझ गए कि नहीं समझ गए। प्रत्येक यूं मतलब प्रत्येक के पंचमाक्षर की क्या संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। और यूं कह लो अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, मुख नासिका वचनोनु नासिका, समझ में आया। आगे चले, आगे चलते हैं, आशा है विश्वास है ये सूत्र समझ में आया होगा। अगली संज्ञा है आपकी और कौन सी है भाई साहब, अगली संज्ञा है आपकी बोलते हैं, और कौन सी हो गई भाई साहब, बची कौन सी, सब तो पढ़ ले रहे हो, कुछ छोड़ भी रहे हो, लेकिन अनुनासिक का छोटा भाई है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, अननुनासिक। क्या नाम है जी, अननुनासिक, क्या अननुनासिक, या बोले तो उसी को एक नाम से और पुकारते हैं, क्या निरनुनासिक। ध्यान देना, एकदम एकदम उसका उल्टा है अनुनासिक का, ठीक है। और उसको बोलते हैं अननुनासिक या निरनुनासिक। अक्सर हम लोग एग्जाम में अननुनासिक को, क्योंकि हम अनुनासिक अनुनासिक खूब पढ़े होते हैं, तो अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, इस अननुनासिक को भी अनुनासिक पढ़ लेते हैं। हमेशा याद रखना, अननुनासिक अलग होता है, अनुनासिक अलग होता है। तो इसका कोई सूत्र उत्र नहीं होता, एकदम वीआईपी व्यवस्था है इसके लिए। कैसी वीआईपी व्यवस्था है भाई साहब, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों हेल्प करें उनकी क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। वही चीज यहाँ है, चीज वही है, लेकिन जिनके उच्चारण में हमको नासिका की आवश्यकता ना पड़े, किसकी, इस नासिका की आवश्यकता हमको ना पड़े, उनकी संज्ञा होती है कौन सी, तो उनकी संज्ञा होती है अननुनासिक संज्ञा या निरनुनासिक संज्ञा। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें नासिका की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, नासिका की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो उनकी कौन सी संज्ञा होती है, उनकी संज्ञा अननुनासिक होती है या निरनुनासिक नाम से जानते हैं। जैसे जैसे क्या, नासिका नासिका सहायता नहीं करती, नहीं करती किसमें, उच्चारण में, समझ में आया। उसकी संज्ञा क्या, अनुनासिक क्या निरनुनासिक होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं भाई साहब, अगर जैसे का हम देखें उदाहरण, तो जैसे क ख ग घ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, इन सब की क्या संज्ञा, इनकी होती है अननुनासिक संज्ञा। क्योंकि क बोलो, क में क्या आपकी नाक हेल्प कर रही है, आपकी नासिका की सहायता आप ले रहे हैं क बोलने में, नाक पकड़ लो, बोलो क, बोलो बोलो क क ख ग घ ग। लेकिन ग बोलने में देखो, ग बोलने में यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, नाक की आवश्यकता, नासिका की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी तो हो जाएगी अनुनासिक संज्ञा। किंतु जो वर्ग का जो एक दो तीन चार वर्ण है, इन सब की संज्ञा क्या हो जाएगी, अननुनासिक या निरनुनासिक संज्ञा। पूछेगा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अननुनासिक संज्ञा होगी, पूछेगा किस वर्ण की अननुनासिक संज्ञा होगी, एक ऑप्शन में रहेगा क, एक ऑप्शन में रहेगा याम,
एक में रहे गंगा, एक में रहे गणा, तो किसकी अननुनासिक संज्ञा होगी? तो इसमें भैया कावर्ण है। क्यों? क्योंकि क के उच्चारण में हमारी नासिका हेल्प नहीं कर रही है, याणा और ङा इनके उच्चारण में हमारी नासिका भी, मुख के साथ साथ हमारी नासिका भी हेल्प कर रही है, इसलिए इनकी संज्ञा क्या हो जाएगी? अननुनासिक या निरनुनासिक। आगे चलें, आगे चलते हैं। लगभग आपकी संज्ञाएं तो संपूर्ण हो गई हैं, एक आध और बची हैं, वो भी जल्दी से ही निपटा देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हमें कॉपरेट करना पड़ेगा। आपको केवल ज्यादा फोकस जो करना है, सदैव मैं बार बार बता रहा हूं, हजार बार बता रहा हूं कि संज्ञा का नाम और संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, और मैं उसके बारे में इसलिए बताता हूं ताकि उस सूत्र को अच्छे से समझ पाए, जान पाए। अगली है संज्ञा कौन सी, लिख लो, उतार लो, संप्रसारण संज्ञा कौन सी, संप्रसारण संज्ञा कौन सी संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा। चिंता ना करें, अभी पढ़ते रहें, जानते रहें, बहुत जल्दी ही एक सीरीज आएगी आपके लिए। जो भी पढ़ रहे हो, कितना पढ़े, कितना समझ में आया, उसका आकलन आपको भी करना है, हमको भी तो जानना होगा। तो बहुत ही जल्द हम जो व्यवस्था बनेगी, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सांझी में मिलेंगे हम लोग, एकदम लाइव क्लास के साथ बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जो अभी तक आपने पढ़ा लिखा है उसके क्वेश्चन के साथ, उसकी प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग, तो ताकि तो पता चले कि हम हैं कितना पानी में, है ना जी, हम कितना बढ़िया आपको पढ़ा पाए हैं और आप कितना बढ़िया पढ़ पाए हैं, उसका होगा आकलन। ठीक है जी, संप्रसारण संज्ञा कौन सी संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा होती है, और इस संप्रसारण संज्ञा का करने वाला कोई ना कोई एक सूत्र होगा, वो सूत्र कौन सा है? तो लिख लो भाई साहब, इज्ञणः संप्रसारणम्। क्या बोलते हैं? इज्ञणः संप्रसारणम्, इज्ञणः संप्रसारणम्। बोलो बोलो, इज्ञणः संप्रसारणम्। पूछेगा कि इज्ञणः संप्रसारणम् कौन सी संज्ञा करता है, तो ये करता है संप्रसारण संज्ञा करता है, और संप्रसारण कर संज्ञा करने वाला सूत्र तो आपका इज्ञणः संप्रसारणम्। भाई साहब, अब इसका मतलब समझ लो, मतलब कुछ नहीं है, सब मोह माया है। आपने यण संधि पढ़ी होगी, एकदम यण संधि का उल्टा होता है कौन कौन कौन, इज्ञणः संप्रसारणम्, एकदम यण संधि का होता है। जैसे अगर हम कहें इज्ञणः, इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी है? एक एक प्रत्याहार है इसमें, एक और एक है यण। क्या है? क्या है? यण है, और संप्रसारण मतलब उनकी संप्रसारण संज्ञा हो जाती है। अब एक और यण को समझ लो, संप्रसारण समझ गए भाई। आप यण संधि में क्या पढ़ते हो? इक के स्थान पर यण का आदेश हो जाता है, यही पढ़ते हो? इक के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, रिकारा रिका ला, यही पढ़ते हो? ये तो हो गई यण संधि, और मैंने कहा कि यण संधि का एकदम उल्टा होता है संप्रसारण संज्ञा। अब इसी का उल्टा कर दो, मतलब क्या है? यहां पर क्या बात होगी भाई साहब? यहां पर यण के स्थान पर क्या होगा? इक का इक आदेश होगा। किसके स्थान पर? यण के स्थान पर इक आदेश होगा। यण में कौन कौन सा वर्ण आता है? या आता है, वा आता है, रा आता है और लाता है, और इक में आएगा क्या? ई आएगा, उ आएगा, री आएगा और लरी आएगा। क्या आएगा? लरी आएगा। अब कह रहे हैं कैसे जानोगे? तो अब जब कहां कहीं भी ई के स्थान पर या हो रहा हो, वा के स्थान पर उ हो जाता हो, रा के स्थान पर री, अल्लाह के स्थान पर लरी हो जा रहा हो, यही या के स्थान पर ई का होना और वा के स्थान पर उ का होना, रा के स्थान पर री का होना, ला के स्थान पर ली का होना ही क्या हुआ? यही हो गया भैया आपका क्या क्या क्या? संप्रसारण। क्या हो गया? संप्रसारण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? संप्रसारण हो गया। ठीक है जी, आई बात गई समझ में? बस इतनी सी बात, आपको सबसे ज्यादा फोकस। अब इसमें एक चीज मना और पूछ ले, माना पूछ ले, पूछेगा नहीं, आपका जो स्तर है, जो लेवल पर है ना जी एस्टेट का, यण के स्थान पर इक का होना क्या कहलाता है? यण के स्थान पर इक का होना क्या कहलाता है? तो संप्रसारण कहलाता है। और यण के स्थान पर इक का होना क्या कहलाता है? यण संधि कहलाती है। उसी का उल्टा, यण के स्थान पर इक का होना संप्रसारण कहलाता है। इतनी इतनी चीजें जान लो और उनका सूत्र याद कर लो। बाकी एक संज्ञा हो गई है लगभग संज्ञाएं,
एक और बची है, जल्दी जल्दी जान लेते हैं। जल्दी जल्दी क्या जानना है? जो जानना जरूरी है वही जानेंगे, है ना जी, नुकसान नहीं होगा आपका। पद संज्ञा, कौन सी संज्ञा? पद संज्ञा। ये जो पद संज्ञा है वेरी इंपॉर्टेंट संज्ञा, आज पूछेगा तो इसका सूत्र पूछेगा और कुछ हो नहीं पूछेगा, मैं पूरे 100% गारंटी लेता हूं आपसे। तो कहते हैं इसका सूत्र होता है भैया बहुत बढ़िया, सुप्तिगंतम पदम। क्या होता है? सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, ये सूत्र होता है सुप्तिगंतम पदम। इसमें कुछ नहीं, दो प्रत्यय की बात कही गई है सुप और तिंग, इसमें भी दो प्रत्यय हैं सुप और तिंग, ये शब्द के साथ ये धातुओं के साथ जुड़ते हैं भाई साहब। ये जो दो प्रत्यय हैं ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये धातुओं के साथ जुड़ते हैं, सुप और तिंग प्रत्यय। जहां पर सुप और तिंग प्रत्यय जुड़े होंगे वो क्या कहलाएगा? वो पद कहलाएगा। उसकी संज्ञा क्या होगी? उसकी हो जाएगी पद संज्ञा हो जाएगी भाई साहब। किसकी? जहां पर कौन से प्रत्यय हो, सुप हो और तिंग हो, उसकी संज्ञा क्या? पद संज्ञा। माना पूछ ले सुप और तिंग प्रत्यय से युक्त तो शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। या पद संज्ञा करने वाला सूत्र याद करना, मत भूलना, वादा करो सुप्तिगंतम पदम। हमसे वादा करके जाओ, नहीं 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 वादा मत करो, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको मत भूलिए। आज आपकी संज्ञाएं हो गई हैं समाप्त, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। बिल्कुल प्रकरण जो होगा वो कारक का होगा, कारक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमः संस्कृताय, नमस्कार।